कृष्णा, वेलकम बैक टू योर चैनल शाली चौहान ब्लॉग्स। और आप लोग कैसे हो? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैंने आज सुबह से नहीं खोला है, 3 बज रहे हैं और मैंने अब स्टार्ट किया है अपना ब्लॉग, क्योंकि आज सुबह से आपको बताऊं थोड़ा काम था। हमारे यहाँ रिलेशन में गांव में एक लोग एक्सपायर हो गए थे, तो आज उनकी शुद्धि हुई थी। तो सुबह से हमारे यहाँ पर जिस दिन शुद्धि होती है उस दिन खाना नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले जिनके यहाँ एक्सपायर हुए हैं वो लोग चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर और घर के परिवार के सभी लोग बनाते हैं। तो हम लोगों ने खाना नहीं बनाया है, जो चने थे वो बॉयल करवा लिए थे। और हम यही पड़ोस में से ही अपने नेवर से ही, और बस वही खाए हुए हैं। अब देखते हैं क्या, अब दोपहर के 3 बज गए हैं, अब तो खैर बन ही गया होगा सब जगह, उनके यहाँ पे भी खाना। तो बस अब मम्मी डैडी से पूछूंगी, इनसे भी पूछूंगी, अपने हस्बैंड से भी कि क्या बनेगा, फिर बनाऊंगी। और वैसे अब चाय का टाइम होने वाला है, 4 बजने वाले हैं, 4 बजे चाय का टाइम है। सो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, चलते हैं, पी लीजिए चाय। पी रही है, चाय देख देख रही है, दीदी बैठी है, आ गया है। अब हम लोग खेलने जा रहे हैं लूडो, ये रखा है लूडो, और ये बैठे हैं कुश, ये बैठी है दीदी। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, और दीदी ने मेरे देखिए प्याज वगैरह ये सब्जी छौंक दी थी जब तक मैं आई थी। तो फ्रेंड्स तेल गरम कर लिया था हमने, और इसमें जीरा, राई, हरी मिर्च और प्याज हमने ऐड कर लिया है, आपको बता दूं मैं। तो हल्का ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया, जो कि हम डेली यूज़ मसाला डालते हैं। और मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, और एक चीज़ मैंने इसमें मैं टमाटर सब्जी में ऐड नहीं करूँगी, बिना टमाटर के ही सब्जी बनाऊंगी, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ये देखिए मैंने पत्ता गोभी और आलू को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और नमक डाल दिया है, और अब मैं ढकने से अच्छे से मिला डालकर, और फिर इसे अच्छे से हमें मिलाना है। देखिए धीरे धीरे इसे हमें मिलाना है। एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा ब्लॉग कैसा बना है फ्रेंड्स। सो ये देखिए मेरा जो पत्ता गोभी आलू सब्जी है वो पकने के लिए कगार पे है, और मैं अब इसे थोड़ा सा ढाँक दूँगी। देखिए, और एक चीज़ देखो, पानी ये छोड़ रहा है, इसको अच्छे से हमें पकाना होता है, और भून लो अगर सब्ज़ी को बहुत अच्छे से तो और भी ज़्यादा मज़ा। सो देखो फ्रेंड्स, मेरा जो खाना है वो तैयार हो गया है, और सो प्लीज़ आ जाइए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हरे कृष्णा।